हेलो एवरीवन, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस घंटे को। स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर वन। देखो, हमने अपना जो क्लास नाइन्थ में जो मैथ के लेक्चर स्टार्ट किए थे उसमें सबसे पहले हमने पढ़ाया था चैप्टर 15। क्यों पढ़ाया था? क्योंकि ये जो चैप्टर है वो एक इजी चैप्टर था। ठीक है, अब स्टार्ट करने वाले हम लोग चैप्टर वन, नंबर सिस्टम। तो इसमें हम कुछ पहले बेसिक्स बातें पढ़ेंगे, जैसे टाइप्स ऑफ नंबर्स, यानी कि नंबर्स किस किस टाइप्स के होते हैं। तो पहला होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, और नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से काउंट किए जाते हैं और इनफाइनाइट तक होते हैं। क्या होते हैं? इनफाइनाइट या इन्फिनिटी तक जो होते हैं उन्हें बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब इनका नाम नेचुरल क्यों पड़ा है उसको देखो। जैसे सपोज़ करो आपको कोई चीज़ काउंट करनी है, तो आपके यहाँ पर सपोज़ करो आपके यहाँ पर बकेट रखी हुई हैं कई सारी। ठीक है, अब बकेट रखी हुई हैं तो इन बकेट को अगर आपको काउंट करने की अगर बोला जाएगा तो आप काउंट कहाँ से स्टार्ट करते हो? वन से। ठीक है, वन से फिर 1, 2, 3, 4 इसी तरीके से काउंट स्टार्ट करते हो। तो इसीलिए इन नंबर्स को नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, एक ऐसे नंबर जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वन से स्टार्ट होते हैं। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है? वन। और लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है? इन्फाइनाइट। ठीक है, अब होल नंबर क्या होते हैं? इनको डब्लू से शो करते हैं। होल नंबर क्या होते हैं? अगर नेचुरल नंबर में जीरो और लगा दें तो वो क्या हो जाते हैं? होल नंबर। तो 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे इन्फाइनाइट तक लेके जाएं तो वो क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। ओके, और स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है? 0, ये रहा। और लार्जेस्ट होल नंबर क्या है यहाँ पर? इन्फाइनाइट, ये रहा। आया समझ में? इसके बाद आती हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स आर लाइक होल नंबर। इंटीजर्स क्या होते हैं? एक तरीके से होल नंबर ही होते हैं, बट दे ऑल्सो इंक्लूड नेगेटिव नंबर, बट स्टिल नो फ्रैक्शन अलाउड। क्या कह रहा है ये? कि सारे के सारे होल नंबर जो होते हैं, ठीक है, वो इंटीजर्स होते हैं और अपने नेगेटिव नंबर्स के साथ भी होते हैं। यानी कि जितने भी होल नंबर हैं उनकी पॉजिटिव वैल्यू और उनकी नेगेटिव वैल्यू अगर आप लेते हो तो वो सब इंटीजर्स कहलाते हैं। लेकिन इसमें कोई भी नंबर जो होना चाहिए वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। सो इंटीजर्स कैन बी नेगेटिव, नेगेटिव भी हो सकती है, जैसे -1, -2, -3, -4 पॉजिटिव 1, 2, 3, 4 और 0। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपसे कहा जाएगा कि इंटीजर्स बताओ तो जैसे आपको पता ही है 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लेके इनफाइनाइट तक हो जाएंगे, और ये भी हो जाएंगे -1, -2, -3 और -4। ठीक है, समझ में आ गया? तो इंटीजर्स में पॉजिटिव वैल्यू भी होती है और नेगेटिव वैल्यू भी होती है और जीरो भी होता है। तो लोएस्ट इंटीजर्स क्या कहलाएगा? अब देखो, लोएस्ट क्या होगा? इसका जो लास्ट वाला पार्ट, लास्ट में क्या आएगा? माइनस का इनफाइनाइट आएगा, तो माइनस का। और इसका लोएस्ट और लार्जेस्ट पार्ट क्या होगा इसका, यानी कि लार्जेस्ट इंटीजर्स क्या होगा? तो यहाँ पर अगर आप जाओगे तो ये भी क्या होगा? इनफाइनाइट तक होगा, तो ये पॉजिटिव इनफाइनाइट होगा। आया समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या क्या देख लिया पहले, जल्दी से मेरे साथ बोलो। नेचुरल नंबर जिन्हें एन से डिनोट करते हैं, जो 1, 2, 3, 4, 5 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। होल नंबर क्या होते हैं? जब नेचुरल नंबर में जीरो और लगा देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? होल नंबर, और इनको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स को आई या जेड, इन दोनों में से किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या क्या होता है? इसमें सारे के सारे पॉजिटिव होल नंबर भी होते हैं, नेगेटिव होल नंबर भी होते हैं और जीरो भी होता है। देखो, हमने ये देखा यहाँ पर। ओके, अब आते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। बोला गया है कि जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख देते हैं और जहाँ क्यू की वैल्यू जीरो ना हो, उनको क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं। जैसे 1/2, तो यहाँ पर वन की, पी की वैल्यू क्या है? 1, और क्यू की वैल्यू क्या है? 2।
तो क्यू की वैल्यू जीरो तो नहीं है ना, 3/4 माइनस का 200/403, ठीक है। ये सब क्या है, रैशनल नंबर। जैसे सपोज करो मैंने एक और एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल में इसे मैंने लिखा 4, तो 4 भी क्या है, एक रैशनल नंबर। आप कहोगे सर कैसे हो गया, तो देखो 4 को आप ये भी तो लिख सकते हो, 4/1 लिख सकते हो या लिख सकते हैं। अगर मैं बोलूँ माइनस का 2, तो ये माइनस का 2 भी क्या है, एक रैशनल नंबर। क्यों, क्योंकि आप इसे क्या लिख सकते हो, माइनस का 2/1 आराम से लिख सकते हो। ओके, तो जिनको आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हो वो क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर कहलाते हैं। ओके, अब देखो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, तो अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं, तो इसका ये मतलब होता है कि विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। जिनको आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो क्या होते हैं, तो वो जो होते हैं इरेशनल नंबर होते हैं। लेकिन इसको और भी क्या बोल सकते हैं, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो बिटवीन टू नंबर्स। इनको रेशियो, एंड इट कैन नॉट बी रिटन एज अ सिंपल फ्रैक्शन। ना तो इनको रेशियो के फॉर्म में, ना इनको सिंपल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते, बिकॉज देयर इज नॉट अ फाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स व्हेन रिटन एज अ डेसिमल, ठीक है, क्योंकि यहां पर कोई भी फाइनाइट नंबर नहीं होता है। जैसे एक बात सोचो, मैंने बोला √2, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया एग्जाम्पल में √2। अब इस √2 की जब वैल्यू निकालोगे तो वो जरूर आपके क्या आती है, डेसिमल में आती है। क्या आप √2 को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। अब आप कुछ बच्चे बोलते हैं सर √2 है, √2 को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते, √2/1 तो मैं लिख ही दूंगा, ठीक है। पर ऐसा नहीं होता, देखो पहले √2 की वैल्यू फाइंड करो, √2 की वैल्यू फाइंड करोगे तो वो डेसिमल फॉर्म में आएगी, एक फाइनाइट नंबर में नहीं आएगी, ठीक है। तो इस ये जो होगा ये क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। अगर मैं कहूं √4, तो √4 की वैल्यू क्या होती है, 2। √4 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, ओके। और अगर अगर √4 की वैल्यू 2 है तो आप इसे अब क्या कर सकते हो, 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है, यानी कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। इसीलिए जो √4 होता है वो क्या होगा, इरेशनल नंबर नहीं होगा। बात समझ में आ गया। √3 की वैल्यू निकालोगे तो कोई डेसिमल में आएगी ये वैल्यू, ठीक है, आया समझ में। तो ये भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। पाई, ये क्या है, पाई, इसको पाई लिखते हैं। अब पाई के केस में पाई एक इरेशनल नंबर होता है। अब कई बार मुझसे स्टूडेंट पूछते हैं सर ये बताओ पाई की वैल्यू तो होती है 22/7, ठीक है, तो ये तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो गया, तो ये तो एक रैशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन ये इसकी जो है ना, जो वैल्यू है वो एकदम कहना चाहिए कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो 3.14 ऐसे करके होती है, ठीक है। तो अब आप देखोगे 3.14 है, ओके, तो ये इसकी क्या है, वैल्यू होती है। तो ये क्या है, आप इसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हो, और जब पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो तो पाई क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, ओके। इसी तरीके से √11, तो √11 की भी वैल्यू क्या है, एग्जैक्ट नहीं आएगी, ठीक है। तो जिनकी वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलती, अगर उनकी वैल्यू निकलती है तो वो डेसिमल में निकलती है, तो वो क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया। अब अगला आता है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर को आर से डिनोट करते हैं, इरेशनल नंबर को एस से डिनोट करते हैं, ओके। अब रियल नंबर के बारे में क्या बोल रहा है कि ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। यानी कि जितने भी रैशनल नंबर हैं, जितने भी इरेशनल नंबर हैं, ठीक है, सब क्या होते हैं, रियल नंबर। इन जनरल समझ सकते हो, जितने भी नेचुरल नंबर, जितने भी होल नंबर, जितने भी रैशनल नंबर, जितने भी इरेशनल नंबर, जो भी नंबर सब होते हैं वो सब रियल नंबर होते हैं। क्यों, इनको आप नंबर लाइन पर शो कर सकते हो। आपको नंबर लाइन पता है, नंबर लाइन क्या होती है, ऐसे तरीके से लाइन होती है, इसमें बीच में जीरो, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 होता है, यहाँ पर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 होता है, ओके। तो ये जितने भी जिनको नंबर लाइन पर आप शो कर सकते हो, सभी के सभी क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, ओके। प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो आपको पता है दीज नंबर आर ग्रेटर देन 1 एंड ओनली फैक्टर्स आर 1 एंड इट्सेल्फ।
यानी कि जिनके जो क्या होते हैं एक से ज़्यादा हों, ठीक है, क्योंकि वन जो होता है वो प्राइम नंबर नहीं होता। वन के अलावा कोई भी ऐसा नंबर जिसके ओनली टू फैक्टर्स हों, एक तो वन और दूसरा वो खुद ही इट्सेल्फ, ठीक है, तो उनको प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे टू, अब टू के कितने फैक्टर हैं, टू और वन, तो ये क्या है, एक प्राइम नंबर है। थ्री, थ्री के कितने फैक्टर हैं, थ्री और वन। फाइव, कितने फैक्टर हैं इसके, फाइव और वन, तो ये कैसे नंबर हो गए, प्राइम नंबर हो गए, ठीक है। अब आप कहोगे एट, तो एट आपका क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, क्यों, एक तो इसका फैक्टर क्या हो गया वन, एक इसका फैक्टर क्या हो गया टू, एक इसका फैक्टर क्या हो गया फोर, ठीक है, तो इसके तो तीन फैक्टर हो गए, तो ये जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। ओके, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, तो ये क्या है, ये एक कंपोजिट नंबर है। कैसा नंबर है, कंपोजिट, ये नंबर, ये एट क्या होगा, कंपोजिट नंबर, ठीक है। जिनके क्या होते हैं, एक दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। दीज नंबर्स हैविंग द फैक्टर्स मोर देन टू, जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे है फोर, तो देखो फोर के क्या हो जाएंगे, एक दो और फोर, फोर अपने आप में भी अपना फैक्टर है, ठीक है, तो आप अगर देखोगे इसके कितने हैं, तीन फैक्टर हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन में इतनी बातें जरूर समझ में आई होंगी। थैंक यू।